मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और पिछले 15 सालों में मैंने वर्ल्ड बुक फेयर को एक्सप्लोर करना कभी भी मिस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से उतरकर गेट नंबर 10 प्रगति मैदान की ओर चलते हुए मैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच गई, जिसके लिए मैंने लिए एंट्री टिकट जो थी मात्र 20 रुपए का। ये है मेरी टिकट और मैं जल्दी से सिक्योरिटी चेकिंग के लिए लाइन में लग गई। वैसे लाइन बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैं फिर से लाइन में लग गई शटल के लिए, जो गेट नंबर 10 से लेकर हॉल नंबर 1 में ड्रॉप कर रहे थे, जहां बुक फेयर चल रहा था। और ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, लेकिन अगर आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। ये है हॉल के बाहर का नज़ारा जहाँ बुक फेयर चल रहा है। कुछ लोग अभी पहुंचे हैं और कुछ वापस जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग बाहर बैठकर मौसम का आनंद उठा रहे थे। हॉल के एंट्री में इस तरह के बोर्ड लगे हुए थे पब्लिशर्स के, और कुछ एक होर्डिंग में यहाँ चल रहे इवेंट्स के बारे में लिखे हुए थे। वहीं कई सारे अलग अलग डिजाइन के होर्डिंग बने हुए थे, जिसके सामने खड़े होकर आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और हॉल के एंट्री के जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे किस हॉल में कौन सा पब्लिशर है उसका नाम मेंशन है, ताकि आपके लिए लोकेट करना आसान हो जाए। चलिए देर ना करते हुए जल्दी से अंदर चलकर बुक फेयर को एक्सप्लोर करते हैं। हॉल नंबर 5 में एंटर करते ही ये खूबसूरत पेंटिंग डिस्प्ले में लगी हुई थी, और एक आर्टिस्ट उसी पेंटिंग को रिक्रिएट कर रहे थे, जिसे देखकर मेरे अंदर की आर्टिस्ट भी जग गई। और मैंने बड़े क्लोजली पेंटिंग को देखा, जिसमें हाथी, टॉर्टोइस, चिड़िया जैसे जंतु जानवर बने हुए थे, लेकिन देखने में ये एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लग रही थी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आपको यहाँ आए पब्लिशर्स की झलक दिखाती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ कौन कौन से पब्लिशर्स कहाँ से आए हुए थे। चिल्ड्रन स्पेशल तरह तरह की किताबें मिल रहे थे। वहीं स्पेशल नीड चिल्ड्रन का भी एक इवेंट चल रहा था, जहां बच्चे डांस परफॉर्म कर रहे थे। आप इसका एक नजारा देखिए। बच्चों की किताबों का वास्तव में इस बुक फेयर में एक बड़ी सुंदरता थी। इन्हें छोटे बच्चों के लिए कई विविधताओं में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ बच्चों के पसंदीदा कहानियों के नायकों की कहानियां थी, जैसे कि जादुई दुनिया, खोज की कहानियां और जीवन के मूल्य को सिखाने वाली कहानियां। वहां रंग बिरंगे और अट्रैक्टिव कैरेक्टर में किताबें भी थी, जो बच्चों को खिलौना की जगत में ले जाती हैं। इन किताबों में कहानी, रंग और चरित्रों की विविधता को देखते हुए बच्चे अपनी पसंद की किताब चुनने में बहुत खुश थे। इन बच्चों की किताबों में फैमिली के मेंबर्स के इम्पोर्टेंस को खिलौनेदार तरीके से समझाने वाले कार्टून कैरेक्टर के साथ बताई गई
कहानियां थी। इन बुक्स में छोटे छोटे जानवरों या फिर खिलौने के रूप में दिखाए गए कैरेक्टर के माध्यम से फैमिली के महत्व को समझाया गया है। ये कार्टून कैरेक्टर खेलने और हंसने के साथ साथ बच्चे को फैमिली के सदस्यों की अहमियत को समझाए गए हैं। इनके माध्यम से बच्चे ना केवल मनोरंजन का आनंद लेते हैं बल्कि परिवार के मेंबर्स के साथ सहयोग और समर्थन की इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे और भी कई तरह के कार्टून कैरेक्टर में छोटे छोटे कहानियों की किताबें यहाँ पे मिल रही थी। वैसे यहाँ पे कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टूर में लेके आए हुए थे। वैसे स्कूल स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं तो उनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। आपके घर में अगर कोई बच्चे है तो आप यहाँ पे उनको ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से भी कई तरह के एक्टिविटीज चलते रहती हैं जिन्हें बच्चे खूब एंजॉय भी करते हैं। और यहाँ साहित्य से लेके राजनीति, धर्म से लेके दर्शन तक, हिस्ट्री, लिटरेचर, कंप्यूटर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एजुकेशनल, हर तरह की किताबें मिल रहे थे। आप जिस तरह की किताब पढ़ना पसंद करते हैं वो यहाँ से वो आप लेके जा सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए भी आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉल में हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कहानियां, कविताएं, नाटक, उपन्यास और आत्मकथाओं की किताबें मिल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस कई रोचक फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स भी थे जो बच्चों और युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार चुनने का ऑप्शन देती हैं। अगर कोई किताब लिखना चाहते हैं या पब्लिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ आए हुए पब्लिशर से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरे प्रोसीजर के बारे में गाइड कर देंगे। फिर चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में या किसी और भाषा में, या भारत के हर कोने के अलावा अक्रॉस द ग्लोब कई देशों से पब्लिशर्स आए हुए थे। चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ आए हुए पब्लिशर्स और उनके किताबों का एक झलक दिखाती हूँ। कीप एक्सप्लोरिंग।